हेलो एवरीवन, मैं एकता शर्मा आज आपके लिए लेके आई हूँ अपने पास्ट टेंस का नेक्स्ट पार्ट। हमने पास्ट टेंस के एडवर्ब्स है वो कर ली थी, आज मैं आपके लिए पास्ट टेंस के एग्जांपल लेके आई हूँ। तो जल्दी से अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम इसके एग्जाम्पल्स है वो देखते हैं। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है मैंने, मैंने बोला था आपको कि आप पास्ट टेंस के जो एडवर्ब्स है वो अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से लर्न आपको होनी चाहिए। अगर एडवर्ब आपको याद है तो यहाँ आपको वर्ब फिल करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इसका देखते हैं, वी वेंट टू कश्मीर लास्ट ईयर। अब ये जो गो जो ब्रेकेट में मैंने दे रखी है तो हो सकता है वो आपको लास्ट में मिले या हो सकता है आपको जस्ट यहाँ ब्लैंक के बाद में मिल जाए। तो ये जो कहीं भी दी हुई हो आपको गो की वर्ब है वो भरनी है। तो लास्ट प्लस टाइम आते ही एडवर्ब में मैंने लिखाया था आपको कि लास्ट प्लस कोई टाइम आ जाए तो वो पास्ट सिंपल होता है, और यहाँ पे लास्ट प्लस टाइम है। अब लास्ट प्लस टाइम है मतलब पास्ट सिंपल टेंस है। अब आपको देखना है कि इसके अंदर ये नेगेटिव सेंटेंस है या इंटरोगेटिव है, आपको डिड लगाना है कि नहीं लगाना। अभी न तो ये कोई नेगेटिव सेंटेंस है न ये कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस है तो हम एमवी सेकंड फॉर्म इसमें लगाएंगे। अब गो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो अपने को अप्लाई करनी है यहाँ पे। गो की सेकंड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए तभी आप फिल कर पाओगे। गो वेंट गोन इसकी फॉर्म होती है, तो गो की सेकंड फॉर्म हो गई वेंट। तो हमने वेंट है वो यहाँ पे लगा दिया, वी वेंट टू कश्मीर लास्ट ईयर। अब देखते हैं अपन सेकेंड जो इसका एग्जाम्पल है वो देखते हैं, राम लॉस्ट हिज सूटकेस इन द बस यस्टरडे। यस्टरडे, ये देखो एडवर्ब इसमें दे रखी है यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, जो कल चला गया है, मीन्स ये पास्ट का है। अब पास्ट का है, अब यहाँ पे आपको मिल सकती है कि ये जो वर्ब दे रखी है यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, दोनों में से एक जगह आपको मिलेगी, चाहे कहीं पे भी मिल जाए। अब लॉस्ट की जो सेकेंड फॉर्म और जो थर्ड फॉर्म है वो आपको आना बहुत जरूरी है। अब यस्टरडे देखते हैं, पास्ट सिंपल टेंस है, न नेगेटिव है न इंटरोगेटिव है, मीन्स यहाँ पे अपने को जो लॉस है उसकी सेकेंड फॉर्म है वो अपने को अप्लाई करनी है, लॉस्ट लिख देंगे। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता देन अपन यूज करते राम डिड नॉट लॉस हिज सूटकेस, यहाँ पे डिड के साथ नोट लगा देते और फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है वो यहाँ पे आ जाती, फिर ये लॉस्ट नहीं आता, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और अगर सिंपल सेंटेंस है तो हम मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म को अप्लाई यहाँ करते हैं। तो अगर ये सेंटेंस नेगेटिव में होता देन हम डिड नॉट लॉस यहाँ पे लिख देते, बट ये सिंपल सेंटेंस है तो हमने लॉस्ट यहाँ लगा दिया। अब थर्ड आप देख सकते हो कि ही लेफ्ट द स्कूल ए फ्यू मंथ्स अगो। अगो एडवर्ब है, वो भी पास सिंपल में आती है, लास्ट प्लस टाइम है, यस्टरडे कोई प्रीवियस प्लस टाइम है या कोई अगो है, तो अगो भी पास सिंपल में आती है। और अगो देखते पास सिंपल आपको समझ में आ गया, और यहाँ पे एम वी अपने को सेकंड लगानी है, लीव की जो सेकंड फॉर्म है वो लेफ्ट होती है, तो ही लेफ्ट द स्कूल ए फ्यू मंथ्स अगो। अब देखते हैं इसका फोर्थ एग्जांपल, देखिए दे वर प्लेइंग कार्ड्स एट द टाइम। एट दैट टाइम पास्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में थी अपनी एडवर्ब एट दिस टाइम, और यहाँ पास्ट कंटिन्यूस है तो दिस का दैट हो गया एट दैट टाइम। तो एट दैट टाइम मतलब उस समय पे, दे वर प्लेइंग कार्ड्स, यहाँ पे प्ले है वो लास्ट में न दे करके देखो यहाँ दे दिया है ब्लैंक के बाद में, तो कहीं पर भी आए। अब कंटिन्यूस टेंस है मीन्स आईएनजी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी, और ये पास्ट कंटिन्यूस का है मीन्स वाज वर इसकी हेल्पिंग वर्ब है। अब वाज भरना है कि वह अपने को अप्लाई करना है, अपन सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है दे, जो कि है प्लूरल, प्लूरल है तो हम वर यहाँ पे लगाएंगे, तो दे वर प्लेइंग कार्ड्स एट दैट टाइम। अब देखो अपना पांचवा जो एग्जांपल है देखते हैं अपन, राम मेट सीता वेन सी वाज वॉकिंग थ्रू द पार्क, यहाँ पे वाक है वो यहाँ पे लिख दिया। अब देखो दो जो है मैंने बताया था, वेन कंजक्शन भी बताया था, वाइल कंजक्शन भी बताया था। अगर वेन कंजक्शन के रूप में आए तो इसके एक साइड में पास सिंपल भरा जाता है, दूसरी साइड में भरा जाता है पास्ट कंटिन्यूस, कि राम मेट सीता, राम सीता से मिला, वेन सी वाज वॉकिंग थ्रू द पार्क, जब वो पार्क के अंदर घूम रही थी, पार्क के माध्यम से जब वो वॉक कर रही थी उस टाइम राम है वो सीता से मिले। तो एक साइड में आएगा अपना पास सिंपल और सेकंड साइड है वो पास कंटिन्यूस है वो फिल किया जाएगा। बट अगर वाइल कंजक्शन हो तो दोनों साइड में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पास सिंपल देखो हमने मीट की सेकेंड फॉर्म मेट अप्लाई करी है, और यहाँ पास्ट कंटिन्यूस मतलब
जो आईएनजी फॉर्म है वो अपने को लगानी है, वाज वर में से एक अपने को देखना है। तो शी है, शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। वाज हमने यहाँ सी के साथ लगाया है और वाक फर्स्ट फॉर्म यहाँ दे रखी है, आईएनजी हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। इसके बाद में देखते हैं अपन सिक्स जो सेंटेंस है उसको देखते हैं। पहले सबसे पहले देखते हैं आपको देखना है इसमें एडवर्ब कौन सी है। तो वी वर प्लेइंग चेस व्हाइल सी वाज रीडिंग ए बुक। तो ये देखो व्हाइल अपने को एडवर्ब है वो मिल गई, व्हाइल एडवर्ब मिल गई। तो अब इस सेंटेंस को आप या तो हिंदी अर्थ करके इसको भर सकते हैं, या फिर व्हाइल जब दे रखी है एडवर्ब तो इसमें देखना है अपने को दोनों साइड में, मैंने बताया आपको पास्ट कंटिन्यूअस है वो भरा जाएगा। अब देखो वर्ब या तो यहाँ पे भी आ सकती है, प्ले यहाँ लिखा जा सकता है, या एक साइड की भरी हुई भी आ सकती है, एक साइड में ब्लैंक दिया हुआ आ सकता है। तो देखो प्ले या फिर रीड, तो प्ले प्ले यहाँ पे पहले जो स्टार्टिंग में जो प्ले दे रखी है और दो नंबर पे रीड दिया है, तो मतलब एक नंबर में जो ब्लैंक है उसमें प्ले वर्ब अपने को अप्लाई करनी है। तो प्ले प्लस आईएनजी तो अपने को पता ही है क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस है। वाज वर्ब में से क्या आएगा, वी के साथ हम वर्ब अप्लाई करते हैं। तो वर प्लेइंग वी वर प्लेइंग चेस व्हाइल, अब ये सी, सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ वाज लगाएंगे। और रीड, रीड क्या, आईएनजी फॉर्म रीडिंग ए बुक। तो इस तरह से इसको अप्लाई है वो किया जाता है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं सम पीपल हैड अप्लाइड ऑयल टू देयर हेयर बिफोर दे टू के बाद। अब ये देखो बिफोर कंजक्शन, बिफोर कंजक्शन जब आता है दो प्रकार के टेंस है वो यूज में लिए जाते हैं। बिफोर से पहले तो आता है पास्ट परफेक्ट और उसके बाद में आता है पास्ट सिंपल। अपने को दो टेंस याद रखना है बिफोर और आफ्टर में, कौन सा, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट। बिफोर मीन्स होता है पहले, जब पहले का मीनिंग निकले, बिफोर मीन्स क्या होता है पहले, तो जब पहले का मीनिंग निकले यहाँ पे तो हमें पहले बढ़ना है पास्ट परफेक्ट, और जब आफ्टर यानी बाद में का सेंस निकले तो हमें पास्ट परफेक्ट को बाद में बढ़ना है। तो बचा कौन सा, पास्ट सिंपल, उसको बाकी जगह पर अप्लाई कर देंगे। बिफोर मीन्स पहले, तो हमने पास्ट सिंपल यहाँ पास्ट परफेक्ट हमने पहले अप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखो सम पीपल हैड अप्लाइड ऑयल टू देयर हेयर, तो जो कुछ लोग है वो अपने बालों पे ऑयल है वो अप्लाई करते हैं बिफोर, किससे पहले, दे टू के बाद, बाथ लेने से पहले। तो ये जो पास्ट सिंपल है वो यहाँ पे हमने बाद में अप्लाई किया है। बिफोर मीन्स पहले होता है, तो पास्ट परफेक्ट हमें पहले अप्लाई करना है, बचा पास्ट सिंपल वो हम बाद में भर देंगे। अब सेकेंड देखते हैं राधा वेंट अब्रॉड आफ्टर सी हैड पास्ट ग्रेजुएशन, गो और पास में से। तो देखो आफ्टर कंजक्शन दे रखा है, आफ्टर मीन्स क्या होता है, बाद में, आफ्टर मीन्स बाद में होता है, तो जो पास्ट परफेक्ट है अपना वो हम बाद में भर रहे हैं। देखो शी हैड पास्ट और पहले, फिर बचा कौन सा, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल हमें भरनी है गो की वर्ब, गो की सेकेंड फॉर्म हमने वेंट है वो यहाँ पे फिल कर दी है। तो ये जो बिफोर और आफ्टर जो कंजक्शन है या बिफोर आफ्टर वाले जो एडवर्ब है पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट की, बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवर्ब है वो मानी जाती है और 100% एग्जाम में ये आती है। इसके बाद में बचता है अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सिंस और फोर के साथ में टाइम आएगा, बट कोई पास्ट का कोई सेंस निकल के आएगा तब हमको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस अप्लाई करना है, अदरवाइज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लेके चलते हैं सेंटेंस को। तो देखते हैं इट हैड बीन ब्लोइंग कूल ब्रीज सिंस लास्ट नाइट, लास्ट नाइट पिछला टाइम दे दिया हमें, मीन्स ये पास्ट का हो गया। अब जब पास्ट का टाइम हमें दे रखा है तो ये सिंस प्लस टाइम भी दिख रहा है, सिंस प्लस टाइम दिखते ही अपने को क्या देखना है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और पास्ट का है, तो फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है अपनी हैड बीन, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो ये रही अपनी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्लो, इसके साथ आईएनजी हमने यहाँ भर दिया। तो इट हैड बीन ब्लोइंग कूल ब्रीज सिंस लास्ट नाइट। लास्ट एंड फाइनल अपना एग्जाम्पल, इट हैड बीन रेनिंग फॉर द लास्ट टू आवर्स। तो फोर प्लस टाइम, पहली बात तो फोर प्लस टाइम है, फोर प्लस टाइम आते ही मतलब अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, लास्ट दे फोर प्लस टाइम आते ही मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब यहाँ पे लास्ट मतलब पास्ट का सेंस दे दिया, तो अब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन, हमने हैड बीन भर दी। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भरा जाता है, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो रैन दे रखी है आईएनजी, इसके साथ हमने अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से आपको यहाँ वर्ब है वो फिल करनी है। एक बार फिर से आप सारे एग्जांपल देख सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं या समझने के लिए वापस आप वीडियो को देख सकते हैं।
आपको वीडियो कैसी लगी, क्या समझ में आया? अगर कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाय।